आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सॉलिड स्फीयर है जिसका कि मास m है, रेडियस r है, उसको एक स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया है। एक h हाइट पे उसको इंपल्स j दिया गया सेंटर मास के ऊपर h हाइट पे, और जो स्फीयर है वो प्योर रोलिंग करने लगा। तो पूछ रहा है h और स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू क्या होगा इस क्वेश्चन में। तो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं अपन, ठीक है। तो मान लो कि ये एक स्फेयर है, ये एक स्फेयर है, ये स्फेयर सही नहीं बना, एक मिनट, ये एक स्फेयर है, ठीक है। अब इससे इससे सेंटर ऑफ मास से एक h डिस्टेंस पे, ये h डिस्टेंस हो गया, यहाँ पे एक इंपल्स दिया गया j, ठीक है। तो जो सेंटर ऑफ मास जो है वो भी वेलोसिटी से चल पड़ा, एक्सलेशन ए हो गया, और जो ये रोटेट किया एंगुलर एक्सलेशन अल्फा हो गया। अगर ये प्योर रोलिंग में है तो प्योर रोलिंग में एक केस तो होगा a बराबर r अल्फा, ये हम लोग अभी नहीं बाद में यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो टॉर्क जो दिया तो उस टॉर्क के कारण आई अल्फा होगा। अब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क होता है F इंटू एच। अब यहाँ पे जो सॉलिड स्फीयर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/5 m r² और अल्फा क्या होता है, यहाँ पे अल्फा a/r, और F क्या हो गया, F हो गया m a h, F क्या हो गया मेनली सेंटर ऑफ मास a एक्सेलरेशन से चल पड़ा, इसका मास m है तो m a हो गया इंटू 2/5 m r² a/r, ये वाला a से ये वाला a, ये वाला m, ये वाला m, ये वाला r, ये वाला r। तो जो h बन के यहाँ पे आया वो आ गया 2/5 r, ठीक है। तो जो बेसिकली इतना हाइट पे सेंटर ऑफ मास से इतना हाइट पे 2/5 r पे अगर हम लोग z इंपल्स देंगे तो ये बॉडी प्योर रोलिंग में आ जाएगा। अब क्वेश्चन का दूसरा पार्ट पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो जो इम्पल्स होता है, इम्पल्स जो होता है वो होता है चेंज इन मोमेंटम के बराबर, चेंज इन मोमेंटम के बराबर इम्पल्स। अब यहाँ पे इम्पल्स क्या है, जे इम्पल्स ही तो दिया गया। अब मोमेंटम क्या है कि पी फाइनल माइनस p इनिशियल, फाइनल मोमेंटम मान लो m v और इनिशियल m इंटू इनिशियल, इसका वेलोसिटी जीरो था क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजेंटल सरफेस, तो जीरो। तो यहाँ पे आ गया क्या, m v इज इक्वल टू j। तो यहाँ से जो v आया वो आ गया j अपॉन m, मीन्स इम्पल्स अपॉन मास ऑफ स्फीयर, ठीक है। तो पहले तो h का वैल्यू आया 2/5 r और दूसरा आ गया सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी j/m, सो द ऑप्शन विल बी 2/5 j/m, मींस ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।